सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अमेरिकी पोर्न स्टार ओलिविया नोवा की मौत की वजह सामने आ गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूरिन का गंभीर इन्फेक्शन उसकी किडनी तक पहुंच गया था, जिससे उसकी मौत हुई। नोवा की डेड बॉडी लास वेगास के अपने घर में मौत के 12 घंटे बाद मिली थी। रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि जब उसकी डेड बॉडी मिली तो वेस्ट से उसका निचला हिस्सा नेकेड हालात में था। इस हाल में मिली थी डेड बॉडी लास वेगास मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी मौत की वजहों से जुड़े डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं। इसमें नोवा के पैर पर जख्म के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि उसकी डेड बॉडी मौत के करीब 12 घंटे बाद मिली थी। उस वक्त उसका चेहरा बेड पर झुका था और वेस्ट से उसका निचला हिस्सा नेकेड हालत में था। पुलिस को पहले लगा था कि उसकी मौत नेचुरल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद साफ है कि उसकी मौत इन्फेक्शन के चलते हुई है। 20 साल की ओलिविया नोवा 7 जनवरी को लास वेगास के अपने प्राइवेट रेजिडेंस में मृत मिली, जहां वो कुछ दिन पहले ही हॉलिडे एंजॉय करके लौटी थी। डेली न्यूज 10 की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को और देखिए न्यूज कभी भी और कहीं पे भी।